हेलो, इट्स गुड टू बी बैक। बड़े दिनों बाद घर से वीडियो बना रहा हूँ और आप में से जो लोग अब तक मुझे मैसेज कर रहे हो ना कि तुषार भाई बैंगलोर में हमसे मिलने आओ और रिकमेंडेशंस दे रहे हो बढ़िया बढ़िया खाने की, भाई मैं एक हफ्ते पहले दिल्ली आ चुका हूँ वापस। और यार मैं बसने थोड़ी ना गया था, मैं बस 4 दिन की छुट्टी मनाने गया था। अब आ चुका हूँ, एक वीडियो और बची है बैंगलोर की, उसमें यार थोड़ी एडिटिंग ज़्यादा लगेगी, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा वेट करो, आ जाएगी जल्दी। और यार मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है जिन्होंने मुझे बढ़िया बढ़िया जगह रिकमेंड की है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, जहाँ मैं जा पाया, जहाँ के खाने में खा पाया वो मैंने ट्राई किए, जो नहीं वो नेक्स्ट टाइम के लिए पक्का, क्योंकि वहाँ तो मैं आ रहा हूँ भाई। मुझे यार खाने के मामले में बैंगलोर सही जगह लगी एकदम। और हाँ, आज की वीडियो में ना हम हल्दीराम का मिनट खाना ट्राई करने वाले हैं। मतलब हल्दीराम ने ना अपना एक मिनट खाने का लाइनअप लॉन्च किया है भाई, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। मैं तुम्हें ढंग से बता दूँ, मिनट खाने के अंदर ना एक तो है उनके फ्रोजन आइटम्स, उसमें भाई आपको ढोकले से लेके डोसे से लेके पकोड़े से लेके 10 तरीके के परांठे भी मिलेंगे। शायद एक दो चीज़ें मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, बट मुझे तब नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें हैं भाई इनके लाइनअप में। और मिनट खाने में ना वो पैक रेडी टू ईट चीज़ें भी आती हैं, मतलब वो जलेबी बनाने वाला मिक्सचर और दो तीन और चीज़ें मैंने देखी थी, मतलब 2-3 से तो ज़्यादा ही थी वहाँ पे। बट मैंने सोचा यार अभी थोड़ा चिल सीन रखते हैं, बनाने बनाने का सीन मुझसे भी हो नहीं पाएगा, गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत डाउन है, सो थोड़ा चल सीन आज का। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि भाई आज ना मैं फ्रोजन मिनट खाने को रिव्यू करूँगा, जितने हो पाएंगे करूँगा। उनके पास बहुत वैरायटीज थी, बट मैं भी भाई कम नहीं हूँ, भर के चीज़ें लेके आया हूँ। और खाना खाने से पहले ना एक बार ज़रा हल्दीराम के सीन चेकआउट करके आओ, फिर भाई चलते हैं कुछ बनाते हैं खाते हैं, बहुत भूख लगी यार, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो गो एंड कम बैक सून। गाइज मैंने कहा था ना भर के सामान लेके आऊंगा, ये देखो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा यार ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए। यार पता है क्या, फ्रोजन मसाला इडली ना मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। वेट, ये जरा चेकआउट करना, फ्रोजन मसाला इडली, और इसके अंदर यार इन्होंने 36 पीसेस इडली दी है, छोटी छोटी होंगी। और भाई सबसे सही चीज पता है मुझे क्या लगी, इसके अंदर ना इन्होंने शायद इसकी चटनी भी दी है। यार मैंने तब तो देखा था, अब कहाँ गायब हो गई यार, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे लिखा है, मैंने वहाँ तो देखा था, थी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। एंड साथ में मैं खाने वाला हूँ स्पिनच पकोड़े, नहीं सुबह सुबह पकोड़े नहीं, सुबह सुबह मैं खाऊंगा मैसूर मसाला डोसा। ओ ये भाई फ्रोजन में क्या क्या चीज़ें निकाली, मैंने आपको बताया था ना खाने का लाइनअप बहुत बड़ा है, तो भाई सुबह सुबह इडली डोसा ही खा लेते हैं बढ़िया से। एंड इसको बनाने का सीन कैसे है, ओके भाई ऑप्शंस दिए बनाने के लिए, वाह भाई वाह। और हाँ पहले ही बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय हल्दीराम्स, करना चाहे वो स्पॉन्सर तो कर ले, बट ये वाली वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो अपने रिस्क पे खरीदना चीज़ें, मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा एंड ऑप्शन देख लो भाई। तवा पे भी बना सकते हो आप इसे, ओवन में भी बना सकते हो इसे, और ओ ये इसमें कोकोनट चटनी है, आई एम नॉट श्योर इडली के साथ दिए है नहीं, बट ठीक है भाई शेयर वेयर करके खा लेंगे। सारे डोसे अलग अलग पैक हैं भाई, नाइस। यार चटनी जमी हुई है, और पता है क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोकोनट चटनी को ना 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखो। ओके बट पहले भाई डोसे का सीन सॉर्ट कर लेते हैं। गाइस चेक दिस आउट, इसमें भाई थोड़ा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें डोसा मिल जाएगा। तब तक भाई इडली का सीन चेकआउट कर लेते हैं, आपका क्या सीन है भाई। और हाँ अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं है तो मैं बता दूं, इडली का प्राइस है 90 रुपीज़, वैसे 90 रुपये में यार इतनी सारी इडलियाँ मिल रही हैं फ्रोजन, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सही नहीं है? वो तो खा गई पता चलेगा कितनी सही है कितनी नहीं। ओके चेक माई इडली इज़ आउट। यार इसको बनाने का सीन पता क्या है, इसके ऊपर ना ऐसे होल्स करने हैं और 3-4 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखना है। मुझे नहीं पता भाई क्या साइंस है, पर जो उन्होंने बोला मैं वो कर रहा हूँ, और बस भाई मेरे को इडली मिल जाए ढंग से। यार कर दिए मैंने जैसे मुझे करने थे, और माइक्रोवेव ना यार मेरे नीचे वाले घर में है, इसको यहाँ होने देते हैं और इसको बना के लाते हैं।
वो हो गाइस यार देखना जरा इडली का सीन, इसके अंदर मुझे लग रहा है इन्होंने ना कड़ी पत्ता डाला हुआ है, पूरी फ्रेग्रेंस कड़ी पत्ते की आ रही है मुझे। और भाई साहब क्या लग रही हैं इडलियाँ, छोटी छोटी इडलियाँ, छोटी छोटी एंड ओ नॉट बैड। ओके वैसे इडली के साथ मैंने चटनी दी नहीं है, और मैं ना बैंगलोर से सांभर खाना सीख के आया हूँ, बट इन्होंने अनफॉर्चुनेटली सांभर दिया नहीं, तो वापस बैक ऑन दी कोकोनट चटनी। ओह दिस इज गुड भाई। यार मैंने ना 2 मिनट इनको गर्म किया है, सारी गर्म नहीं हुई हैं, थोड़ी थोड़ी अभी भी जमी हुई हैं। सम आर डन, जो है वो मैं खा रहा हूँ। और भाई डोसे क्या सीन है तुम्हारा, बनोगे नहीं बनोगे आज? मुझे लग रहा है यार ये हो चुका है। द डोसा इज सर्व्ड, यार दिखाऊं आपको? ओ ये भाई बढ़िया सा पक गया है। और पहले तो मैं इसका प्राइस बताता हूँ यार, ये 125 रुपीज के इन्होंने मुझे 4 डोसे दिए हैं, विच इज आई थिंक सही है यार। 125 में छोटे 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 तो नहीं, मतलब हाँ यार छोटे ही हैं, छोटे छोटे 4 डोसे हैं, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मेरे लिए तो यार ये सही है। बस अभी टेस्ट में अच्छे हो, इनकी फिलिंग आपको चेक करा देता हूँ। ओके यार ये ना रेड कलर का मसाला इन्होंने अंदर जो लगाया हुआ है ना, ये मेरे को बहुत सही लगा था, ये मैंने बैंगलोर के डोसे में खाया था पहली बार, और इन्होंने भी लगा के दे दिया भाई, सही है। अंदर आलू की बढ़िया सी स्टफिंग हो रखी है, और ये हमारी चटनी। ओ देख रहे हो कितना क्रिस्प हो गया है यार डोसा, तो क्रिस्पी बढ़िया लगता है। और मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा अमूल बटर भी डाल दिया था, मुझे यार वो बटरी डोसा बढ़िया लगता है। गाइस अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो यार रेस्टोरेंट वाले डोसे से तो, या फिर बैंगलोर वाले डोसों से तो इसका कंपैरिजन नहीं है। आई मीन फॉर अ रेडी टू ईट डोसा यार ये बहुत सही है, मतलब दिन बन जाएगा आपका। ओके रिपोर्ट है इसकी। और रेट करना हो तो यार रेट वेट क्या ही करना, ये जैसा है मेरे को सही लग रहा है, और प्राइस भी ठीक है, और क्रंच देख रहे हो क्या पेट भर है भाई मेरा। मैंने ना इडलियाँ बचा दी हैं और जानबूझ के बचाई हैं, क्योंकि यार इतनी सही है मम्मी को खिलाऊंगा मैं, और अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या खाएं, एक तो चीज़ें इतनी सारी हैं ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। यार ये मेरा फ्रोज़न खानों का स्टॉक है, एंड छोले कुलचे हमारे पास, रोल है, रोल रात में खा लूँगा, ढोकला है, पकोड़े हैं, और ये तो खैर मैं खा ही चुका हूँ, तो अभी के लिए भाई छोले कुलचे खाते हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ओ कुलचे छोले, इनको करना है यार माइक्रोवेव। क्या जमे हुए हैं भाई छोले, यार छोले कुलचे का प्राइस है 120 रुपीज, और ये मुझे थोड़े महंगे लगे, मतलब यार छोले इन्होंने बस इतने से दिए हैं, और बस ये 2 कुलचे दिए हैं, और कुलचे भी भाई वो 20 रुपए वाले हार्वेस्ट गोल्ड के लग रहे हैं मुझे, एंड क्या बताऊं यार डब्बा तो इतना बड़ा। और बाय द वे कुलचे को ना यार तवे पे करके कुछ करना था, ये मैं मिस कर दिया ये चीज मैंने, और मैंने कुलचे भी उसके अंदर ही डाल दिए थे माइक्रोवेव में, एंड अब जो हो गया हो गया, हो गए भाई गरम, वैसे मेरे को मैं खा लूँगा इतने में, बस वो अगर घी के ऊपर सेक के मैं लाता ना तो थोड़े बढ़िया हो जाते। यार ये देखो ये हैं इनके छोले, और भाई दिल्ली में जो छोले कुलचे मिलते हैं ना वो बाहर रोड साइड 30 रुपए के, मुझे भाई पर्सनली बहुत पसंद है वो, वैसे नहीं है इसके छोले, इसके वो छोले भटूरे वाले छोले लग रहे हैं मुझे, और कलर भी इनका वो दाल मखनी वाला कलर आ रहा है। ओ हाँ यार इन्होंने छोले भटूरे वाले छोले दे दिए, ओहो इतना ज़्यादा नमक। यार ये छोले ना सिर्फ भटूरों के साथ बढ़िया लगते, कुलचों के साथ मज़ा नहीं आ रहा, भटूरे मिल जाए या पराठे मिल जाए तो सही लगे। यार सही बताऊँ मज़ा सा नहीं आया, और खाने का मन नहीं कर रहा,
मतलब मेरे लिए ना वो 30 रुपए वाले छोले कुलचे बेस्ट हैं, नथिंग कैन बीट देम। बस हो गया मेरा, अभी मम्मी पापा आएंगे। कुछ और ट्राई करते हैं इनका। यार अभी ना ये खामन डोसा है इनका, डोसा बोल रहा हूँ भाई, खामन ढोकला है इनका, ये ट्राई आउट करते हैं। मतलब मेरे पास ना अभी पकोड़े भी हैं, रोल भी है, पर अभी अभी ना मैं जिम मार के आया हूँ तो अभी तो मैं पकोड़े शकोड़े नहीं खा रहा, अभी ये ढोकला खा लेता हूँ, ये भी एक दो पीस खाऊंगा और फिर देखते हैं क्या करना है। इसका सीन चेकआउट करा देता हूँ। ओ बाय द वे यार ये 80 रुपये का है। वैसे प्राइसिंग तो इन्होंने यार सही रखी हुई है अपने प्रोडक्ट्स की। और हाँ जिसको नहीं पता भाई, हल्दीराम ना प्योर वेज है, तो नॉनवेज शॉनवेज का ना कुछ सीन है नहीं वहाँ पे। ओ मैं तो भाई 2-4 पीस एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्होंने तो भर के दे दिया। और इसको बनाने का भी सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओ यार इसमें भी वही इडली वाला सीन है, इसके ऊपर हमें वो करना है, वो पियर्सिंग करनी है, माइक्रो में रखना है और फिर बस खाना है। अब मैं नीचे जाऊँ, कैमरा सेट करूँ, माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं तो मैं दिखाऊँ, तो मैं थक गया हूँ यार, अभी मन नहीं है, अब बस मैं जा रहा हूँ गर्म करके लाता हूँ और खाते हैं। वो भाई बहुत गर्म है यार, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा गर्म हो गए मुझसे। और ये देख लो सीन, इसका चेक कर लो, 12 पीस हैं। अब भाई इसके अंदर उंगली कैसे डालूँ, इतना गर्म है यार ऊपर। ये मुझे बताना ज़रा, ढोकले के ऊपर ये मिर्चियाँ क्यों रखते हैं यार? साथ में ना कोई चटनी वटनी नहीं देते, ये बुरी बात है। एक मीठी चटनी मिल जाती ना वो रेड वाली, ओहो मजे आ जाते। नॉट बैड भाई, नॉट बैड। तो मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया ना, फ्रीजर में पड़ा था, इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर था, माइक्रोवेव में गर्म किया, पानी इसके अंदर था ही, उसके वजह से ना कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और अच्छा भी लग रहा है यार। जरा कोई मुझे कमेंट्स में बताएगा ये खमन ढोकला नॉर्मल ढोकले से अलग कैसे होता है भाई, बहुत गर्म है यार ये ना, 80 रुपए का सारा है, ठीक है। आई डोंट नो यार ढोकले का क्या प्राइस होता है, बट रेडी टू ईट में 80 रुपए का मिल रहा है, मतलब कभी भी गर्म करो खाओ, तो उस हिसाब से तो यार बढ़िया है, सारे पैसे कन्वीनियंस के हैं। ओह टेस्ट के भी है भाई। ढोकले को रैप अप करता हूँ फिर यार, आज तो एक तो दिन ही वैसे लेट शुरू हुआ है, ख़त्म भी लेट ही होगा, वीकेंड से पता नहीं क्यों मेरा टाइम का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हिल जाता है। तो 12-1 बजे हम रात को पकोड़े खाएंगे आज, और रोल भी। ओके सी यू एट 12 बजे। 3 hours later गाइज द माल इज़ रेडी। यार डिनर के लिए ना मेरे पास बचा था ये पकोड़े और शमी कबाब रैप। इनके पास ना शमी कबाब रैप के सिवाय एक तो वेजिटेरियन रैप था और एक पनीर रैप था, पनीर शेजवान रैप था, मैं थोड़ा भूल गया, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी रिकॉल करने के लिए। खैर ये भाई 120 रुपये का है और इसके अंदर ना ये देखो इतने सारे आए थे, मैंने इसमें से थोड़े से गरम कर दिए हैं और मैंने बेक किए हैं, मैंने डीप फ्राई नहीं किए। यार अब मैं रात को ना 11 बजे डीप फ्राई नहीं कर सकता और मुझे थोड़ी गिल्टी भी फील होती अगर मैं इसको फ्राई कर देता तो। बट इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि भाई ओवन में डाल के भी बेक किया जा सकता है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, सही है। और इसके अंदर पहले से ही ऑयल था, ये मतलब ये ऑब्वियसली सेमी प्रिपेयर्ड थे, तो ठीक है भाई बन गए हैं, बढ़िया फ्रेगनेंस आ रही है। और ये भाई शमी कबाब है, ये इतना छोटा है भाई, मतलब लिटरली ये मेरी फिंगर की साइज़ का है, और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। मतलब थोड़ी तो क्वांटिटी पे ध्यान दो यार। ये इसकी फिलिंग चेकआउट करो, मैंने आधा कट कर दिया बीच में से, एंड इसके अंदर मुझे लेटस नज़र आ रहे हैं, कुछ ग्रीन चटनी डाली हुई है, शमी कबाब हैं, मतलब यही एक्सपेक्ट किया था मैंने। और सही है यार ये तो, बस अगर फ्रेश होता ना तो इसकी जो कवरिंग है वो थोड़ी क्रिस्प होती है, बट ये हमने फ्रिज से निकाला है फिर माइक्रोवेव में किया, तो इसलिए इसकी जो रोटी है वो सॉगी हो चुकी है भाई। सही लग रहे हैं ना पकोड़े? ओके भाई बढ़िया लग रहे हैं यार। इन्होंने ना ये चटनी मटनी नहीं देते,
ये बुरी बात है। और थोड़े से यार एक पाउच में मसाला भी पैक करके दे दिया करो, ओहो क्या मजे आ जाते। फ्राई नहीं किया मैंने, फिर भी बढ़िया क्रिस्प हो गए भाई, बढ़िया पेट भर गया मेरा। और तुम अपना काम नहीं कर रहे आजकल, भूल जा रहे हो है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी जल्दी, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, आई होप सो। तो फिर तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।